हेलो फ्रेंड, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बना रही हूँ मटर की चाट। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.5 कप मटर ली है, जो सूखी मटर है। इसे मैंने रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था। अब मैंने इसे 2 सीटी देकर उबाल लिया है। चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े प्याज को कट कर लिया है और मैंने यहाँ पर बारीक कटा लहसुन अदरक लिया है। 1 चम्मच इमली का पल्प लिया है। मसाले में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच धनिया लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, स्वाद अनुसार नमक और 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है। अब मैं मटर चाट बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लिया है। तेल गरम हो जाने के बाद इसमें जीरा ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर दूंगी और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लूंगी। यहाँ पर प्याज हल्की हल्की पक गई है। अब मैं इसमें कटा हुआ लहसुन अदरक ऐड कर दूंगी और इन सभी को अच्छी तरह सेक लूंगी। अब मैंने इसमें 1 चुटकी हींग ऐड कर दी है। अब मैं इसमें मसाला ऐड कर दूंगी। मसाले में मैंने पहले से ही पानी डाल दिया था ताकि अच्छी तरह से मसाला फूल जाए। मसाला सेकते समय गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। अब मैं इसमें 1/2 कटोरी पानी ऐड कर दूंगी ताकि मसाला अच्छी तरह सिक जाए। यहाँ पर मैं इमली का पल्प ऐड कर दूंगी। इसको अच्छी तरह चला लूंगी। इमली के पल्प की जगह आप टमाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इस मसाले को पका लूंगी। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच देगी मिर्च ऐड कर दूंगी। इसे डालने से चाट का कलर अच्छा आएगा। मैंने इसमें 1/2 कटोरी पानी और ऐड कर दिया है ताकि मसाला और अच्छे सिक जाए। ये देखिए, मसाला सिक के रेडी हो गया है। अब मैं इसे उबली हुई मटर ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे चला लूंगी। दो मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे ढक कर रख दूंगी। अब मैं इसमें 1 कटोरी पानी ऐड कर दूंगी। मैंने 1/2 कटोरी करके 2 बार पानी डाला है। अब मैं इसमें 5 छोटे साइज के उबले आलू ऐड कर दूंगी। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। ये देखिए, मटर चाट बन के रेडी हो गई है। अब मैंने चाट को रेडी करने के लिए कैरी की खट्टी मीठी चटनी ली है, बारीक कटी हुई प्याज ली है और नींबू। यहाँ पर मैंने बारीक सेव लिए हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पर इमली की खट्टी मीठी चटनी ली है और मैंने यहाँ पर मूंग का पापड़ लिया हुआ तला हुआ। आप चाहें तो पपड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं 1 प्लेट मटर की सब्जी निकाल लूंगी। सबसे पहले इसके ऊपर कैरी की चटनी फैला दूंगी। अब मैं यहाँ पर इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल दूंगी। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूंगी। यहाँ पर मैं बारीक सेव डाल दूंगी। अब मैं यहाँ पर मूंग के पापड़ को क्रश करके डाल दूंगी। मूंग के पापड़ से इस चाट का स्वाद अच्छा आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर बेसन की पपड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं चाट को हरी मिर्ची और नींबू के साथ परोसूंगी। ये देखिए, मटर की चटपटी चाट बन के रेडी हो गई है। मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।